कपड़ों पर बने ये सुंदर राजस्थानी कसीदाकारी के बेहतरीन नमूने हैं। इसे तारातारी कहते हैं। वही ये कसीदा का काम जब विदेशों में पहुंचा तो इसे राजस्थानी एशियन आर्ट का नाम मिल गया। इस आर्ट को दुनिया भर में पहुंचाने का काम जोधपुर की नंदा बोहरा कर रही हैं। नंदा ने न सिर्फ इस हुनर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई बल्कि 75 से भी अधिक महिलाओं को रोजगार दिया है। नंदा बोहरा और कसीदा से जुड़ी महिलाओं की मेहनत का नतीजा है कि तारातारी के उत्पाद की जर्मनी, बर्लिन सहित कई देशों में मांग है। नंदा बोहरा मूल रूप से जैसलमेर की रहने वाली हैं। वो 20 साल से इस काम से जुड़ी हुई हैं। पहले सीमित क्षेत्र का कसीदा का काम था जिसे वह लोगों को बनाकर देती थीं। लेकिन जब जर्मनी की महिला मित्र ने उनकी कला को पहचाना और हाथ थामा तो उन्हें नई पहचान मिल गई। ये करीबन 20 साल से मैं इस काम को कर रही हूँ। मेरे पास 75 लेडीज़ का स्टाफ है जो अलग अलग अपने अपने आर्ट में, अलग अलग लेडीज़ के पास अलग अलग तरह का हुनर है, तो उन सबको अलग अलग, जैसे कि कोई लेडीज़ मंडाला आर्ट में बहुत ही एक्सपर्ट है, कोई औरत है जो चौकड़ा बहुत अच्छा बनाती है, कोई कच्ची आर्ट बहुत अच्छी, तो हर एक औरत का अलग अलग तरह का आर्ट है, तो उन सब औरतों के आर्ट को हम तवज्जो देते हैं और लोग इन आर्ट को बहुत पसंद करते हैं। मेरा हाल फिलहाल मार्क जा रहा है लतविया में और जर्मनी में। बहुत अच्छा हमारा एक शॉप है, हमारा वहाँ भी एक बहुत अच्छे विदेशी फ्रेंड है जो हमारे भारत में महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के लिए प्रेरित करते हैं और हमारी मदद करते हैं, तो वो हमारे आर्ट को, मैं यहाँ से बना के ऑर्डर आता है तब हम पूरा माल तैयार करके इसे विदेशों में भेजते हैं। बाय कुरियर जाता है, बाय पोस्ट ऑफिस जाता है और इससे महिलाओं को काफ़ी रोजगार मिल रहा है, हम बहुत इंडिपेंडेंट फील कर रही हैं। नंदा बोहरा बताती हैं कि यह राजस्थानी आर्ट पूरा हाथ का काम होता है। महीन कसीदाकारी सुई धागे की मदद से इसे बनाया जाता है। एक एक उत्पाद को तैयार करने में 7 से 15 दिन लग जाते हैं। नंदा उत्साहित होते हुए बताती हैं कि हाल ही में उन्होंने 2000 योगा मैट बर्लिन एक्सपोर्ट किया है। वहीं नंदा बोहरा समूह की प्रत्येक महिला कसीदाकारी से 15 से 20 हजार रुपए प्रतिमाह कमा लेती हैं। इस समूह की महिलाओं का कहना है कि इसमें धागे चुनने से लेकर रंग चुनने, डिजाइन चुनने तक काम बारीकी से करती हैं। इसी कसीदा की वजह से उनके घर का खर्चा आसानी से चलता है। वैसे तो देखा जाए तो मैं भी काफ़ी टाइम से ये काम कर रही हूँ, लेकिन जैसे वेस्ट मटेरियल का मैं ज़्यादातर काम करती हूँ और उस काम को करते हुए तकरीबन मुझे 10 साल हो गए हैं। जी, जो कसीदाकारी आप करते हैं इसमें कौन सी चीज़ें जो आप ज़्यादा करते हैं? इसके अंदर हम चैन स्टिच से स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे जैसे हमें आगे उसका मिलता जाता है कि हमें आगे आगे कैसा डिज़ाइन देना है, वैसे वैसे हम आगे उसका डिज़ाइन बढ़ाते जाते हैं। तो आप कसीदाकारी करती हैं उसको क्या बोलते हैं, कुछ नाम है जैसे मंडावा, चोकड़ा, चोकड़ा कुछ बताया? नहीं, मैं जनरली जो अक्सर घर में यूज़ में आती है ना कसीदाकारी में, उनमें वो काम ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ। जो आप कितना काम करते हैं महीने में इस तरह का, मतलब कितने दिन आपकी वर्किंग हो जाती है? नहीं, घर से जब घर के काम से हम फ्री होते हैं ना, जब भी टाइम मिलता है ज़्यादातर काम फिर हम इसके अंदर लगाते हैं, दूसरा इधर उधर का काम करने के बजाय हम ये काम करते हैं। मैं 8 साल से जुड़ी हुई हूँ नंदा जी से, यही हमें काम देते हैं। आप जो काम करते हैं क्या चीज़ बनाते हैं? यही कसीदा है। मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार हमारी ओर देखे तो हमारी बहुत सारी मेरे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हें क्योंकि माल बनाना तो इजी है बट उस माल का कहाँ पे मार्केट मिल जाए एक, तो बेसिकली मैं रियली चाहूँगी कि सरकार हमारी ओर इस तरह की कुछ प्रोवाइड कराती है, हमारे लिए कुछ योजनाएं बनाती हैं, क्योंकि देखिए बेसिकली महिलाएं होती हैं ना, वो घर का पूरा संभालती है, तो अभी उनका पूरा बजट भी बिगड़ा हुआ है, तो अगर कुछ करती है सरकार हमारे तो हम उनके रियली बहुत आभारी होंगे। नंदा बोहरा और इस समूह की महिलाओं ने सरकार से गुहार लगाई है कि वो उनके समूह को फंडिंग करें जिससे वो इस काम को और आगे ले जा सकें और इस राजस्थानी आर्ट को घर घर में पहुंचाया जा सके। मनोज वर्मा की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, जोधपुर।